नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरो और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसे कि आप डेली व्हाट्सअप यूज़ करते हो दोस्तों, और आप क्या करते हो व्हाट्सअप के आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ऐसे वीडियो की मेरा प्रोफाइल किसने देखा, या आप सर्च करते हो डिलीट मैसेज कैसे रिकवर करें। मतलब आपका फ्रेंड अगर आपको SMS भेजता है वो डिलीट कर देता है, तो आप बोलते हो तो वो SMS मुझे पढ़ना है, डिलीट SMS मुझे पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा आप सर्च करते हो वीडियो यूट्यूब पर सर्च करते हो, उसके थ्रू आप एक एप्लीकेशन वो बोलते हैं आपको यूट्यूब पर कि ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो, ऐसे ऐसे सेटिंग कर लो, फिर आपको डिलीट मैसेज दिख जाएगा या आपका जो प्रोफाइल पिक्चर किसने देखा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। मगर दोस्तों ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके जो फ़ोन की जो प्राइवेसी होती है उसको डैमेज करते हैं। कैसे तो मैं आपको अभी लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, इसका नाम है मैसेज डिलीटेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बोला है वर्ड्स, तो क्या हुआ है दोस्तों, अभी मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो नोटिफिकेशन एक्सेस। इसका मतलब आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं हेलो पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको हेलो करनी होती है सेटिंग्स दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट्सअप विल बी एबल टू द रीच ऑल नोटिफिकेशंस। मतलब जो आपके पर्सनल नोटिफिकेशन, यहाँ पे नीचे भी लिखा भी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज कॉन्टैक्ट नेम, जो कि अपने मैसेज होते हैं आपके फ़ोन के जो सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, जैसे कि आपके पास ATM कार्ड डेबिट कार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हो गए, आपके बैंक की डिटेल्स अपने फ़ोन में रखते हो गए, आपके कॉन्टैक्ट होते हैं फ़ोन में, वो सारे के सारे जब आप इसको एलो कर देते हो तो ये एप्लीकेशन आपके सारे के सारे जो पर्सनल डिटेल है उसको आप एक्सेस कर सकता है। इसके लिए आपको परमिशन मांग रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देना है दोस्तों। क्या करोगे आप, अभी तो आप फिलहाल देख रहे हो कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर किसने देखा, आप डिलीट मैसेज रिकवर करने के लिए कर रहे हो ये सारा। पर दोस्तों इस एप्लीकेशन अगर आपके पर्सनल डिटेल्स का कुछ डिसयूज कर लिया, आप कुछ गलत फ़ायदा उठा लिया, तो आप क्या करोगे, आपका बैंक का पैसा भी चला जाएगा और दोस्तों आपका नाम भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपका सारी की सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो सकती है दोस्तों। आप सावधानी भर के ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप सावधानी भर के ऐसे कोई एप्लीकेशन, फर्जी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है आपको दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। आप आशा करते हो आप अभी इस वीडियो को समझ चुके होंगे और आप इस तरह के कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।